हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको असेसमेंट वर्कशीट 10 करवाने जा रहा हूँ। ये सोशल साइंस का क्लास 9th का और 29 नवंबर की ये वीडियो रहने वाली है। देखिए, आपका टर्म 1 के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो जितने भी सारे असेसमेंट मैंने 1 से लेकर 10 तक बनाए वो सारे के सारे टर्म 1 से बिलोंग करते, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। मैं काफ़ी उसमें एक्स्ट्रा भी बताता हूँ, ठीक है। और अभी जो 10 है मैंने बहुत सारे बना दिए हैं, बाकी और बना दूंगा, ठीक है। तो अब आप कॉपी पेन ले कर रखिए, इसका आंसर पहले खुद बताने की कोशिश कीजिए, फिर मैच करिएगा, ठीक है। और ये हिस्ट्री का जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है, तो उसका चैप्टर 1 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोला गया, आउट ऑफ द गिवन 3 स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी विच 1 इज़ करेक्टली मैच्ड। ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा जो है बिल्कुल सही मैचिंग की गई है। देखो, ये कह रहा है कि फर्स्ट स्टेट में क्लर्की लोग आते थे क्या, थर्ड स्टेट में आते थे क्लर्की या सेकंड स्टेट में आते थे। देखिए, जो क्लर्की होते थे ना वो आते थे फर्स्ट स्टेट में, ठीक है। सेकंड में तो कुलीन वर्ग के लोग आते थे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कुलीन को, बोलते हैं नोबिलिटी, NOBILITY, ठीक है, नोबिलिटी बोला जाता है, वो सेकेंड में आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था फर्स्ट, तो फर्स्ट में कौन आएंगे आपके क्लर्की, और थर्ड में आपके आते हैं कॉमनर्स, जो आम जनमानस होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है ना कि आपको फर्स्ट स्टेट का पूछेगा, सेकंड थर्ड किसी के पूछ सकता है। तो 3 स्टेट में डिवाइड था, तो पहले का आंसर क्या आ गया, ए। सेकंड बोला, इन विच बुक डिड रूसो मेंशन द आइडिया ऑफ 1 person 1 vote। ये कह रहा रूसो ने कौन सी किताब लिखी थी जिसमें उसने बोला था 1 person 1 vote। तो देखिए, उन्होंने जो किताब लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी थी, तो उसी में उन्होंने बताया था, इसका आंसर क्या है, ए, ठीक है। और द स्पिरिट ऑफ लॉ जो है ना वो मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है, किसने लिखी है, मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जरूरी है ना कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछेगा, हो सकता है स्पिरिट ऑफ लॉज के बारे में पूछ ले, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी, और मॉन्टेस्क्यू ने इसमें जो गवर्नमेंट की फॉर्म थी उसको बोला 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कहा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो है बुक किसने लिखी थी, तो ये जॉन लोक ने लिखी थी ये, ठीक है। इसमें उन्होंने बोला था कि ना जनता का राजो, और जो जो राजा की जो पावर ना वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो वो उन्होंने मना किया था इसमें। क्लियर हो गया, तो दूसरे का आंसर क्या है, ए। पहले का आंसर क्या था, ए, ओके। थर्ड पर आ जाइए, ये कह रहे व्हाट डज द रेड कैप वॉर्न बाय सेंस क्लोटेंस मैन इन फ्रांस सिंबलाइज। ये जो सेंस क्लोटोन ने जो रेड कैप पहननी थी ना, ये किसका प्रतीक था, देखिए ये था लिबर्टी का प्रतीक। इन्होंने इसमें मैन पहन सकते थे, वीमेन को अलाउड नहीं किया गया था पहनने के लिए, ठीक है। तो तीसरे का आंसर सी है, आप पहले सोच ला कीजिए, ठीक है। मैं तो सिर्फ आंसर बताने, नहीं तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और थोड़ा समझाना भी होता है इसलिए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्यूटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये जो 2 ट्रीटी ऑफ द गवर्नमेंट है, ये किसने लिखी है, जॉन लोक ने लिखी है। इसमें उन्होंने रिफ्यूटेड किया है डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट का, कि भाई ये जो राजा का राज है ये वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये जो दैवी शक्ति की बात होती है वो नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है, तो जनता का राज हो, तो ये जॉन लोक इसका आंसर था। फोर्थ का क्या, ए, ओके। थर्ड का क्या था, सी। फिर सच कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस ज्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो नेशनल कलर थे वो कौन से थे, ठीक है। तो इसका आंसर आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो मैं सीधा आंसर आपको बता दूं कि इसका आंसर जो है वो है ब्लू व्हाइट एंड रेड, ठीक है। तो BWR, ठीक है, बावर, बावर से रखना, बावरची से, ठीक है, बावरची होता ना, बावरची से याद रख लेना, आपको याद रहेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। टेक्स्ट पर आ जाइए, द नेशनल सॉन्ग ऑफ फ्रांस मार्सेले इस कंपोज बाय, जो नेशनल सॉन्ग था ना मार्सेले, वो किसने गाया, किसने बताया। तो एक पोइट थे जिनका नाम था रोजेट दे लायल, ठीक है, ये रोजेट दे लायल, ठीक है, इसमें एस साइलेंट होता है, तो इसका आंसर हम इसे पर क्या पढ़ेंगे, रोजेट दे लायल, ओके। तो छठे का क्या, बी। क्लियर हो गया। सेवन कह रहा, हु वर द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब्स। जो जैकोबिन क्लब है ना उसके कौन कौन मेंबर थे, देखो उसमें सारे जो थे ना लोअर वर्ग, जो लोअर मतलब जो इनकम बहुत जिसकी कम थी, जिनके साथ एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वो सब लोग थे। तो पेस्ट्री कुक्स भी, प्रिंटर भी,
और वॉचमेकर, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। छठे का बी था और सातवें का डी फॉर डॉग वाला। ओके, द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग, जो ट्रायंगुलर स्लेव बना रखा था ना, ठीक है, तो वो उनमें कौन से तीन कंट्री शामिल थी। ठीक है, तो मैं सीधा बता दूँ इसका आंसर यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका है। ठीक है, याद करने के लिए इसको ईया, ठीक है, ईया। ओके, समझ में आ गया, आप ईया भी बोल सकते हैं, जैसे आपको याद करना है। ठीक है, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका है। ठीक है, हाँ, अब आप कहेंगे कि भाई इसमें भी तो और ए आ रहा है, तो फिर इसलिए कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, इसलिए आप अफ्रीका ही याद करें अच्छे से। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर क्या है, ए, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ें। अब उसके बाद असेशन और रीज़न वाले क्वेश्चन हैं, तो असेशन और रीज़न वाले क्वेश्चन में सबसे पहले चेक किया करो कि ये ट्रू है फॉल्स है, इसे जल्दी हो जाता है। ये कह रहा है ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस वाज क्लासलेस सोसाइटी, जब फ्रांस का रिवॉल्यूशन चल रहा था तो फ्रांस में किसी प्रकार का कोई भी क्लास नहीं थी। देखो वहाँ तीन क्लास में बटा हुआ था ना, प्रथम स्टेट, ठीक है, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, ठीक है ना, कौन कौन सा था आपका, था प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, और थर्ड स्टेट, है ना। तो जो प्राइमरी में मैंने आपको बताया क्लर्गी आते हैं, सेकेंड में नोबिलिटी आते हैं, थर्ड में मैंने कॉमनर आपको बताया था, तो ये पहली वाली लाइन तो गलत है। तो दूसरे वाले लिखा है ड्यूरिंग फ्रांस रिवॉल्यूशन फ्रांस हैड मोनार्किकल सिस्टम, तो बिल्कुल सही है, वहाँ पे जो है मोनार्किकल सिस्टम ही था, है ना, तो वहाँ पे राजा का राज था, राजतंत्र था, जनता का राज था, तो उसके बाद फ्रांसिस क्रांति होने के बाद तो ख़त्म हुआ, तो इसमें हमें रीज़न ठीक दे रखा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा ना, जब ए इनकरेक्ट होता है, रीज़न सही होता है, तो हम डी पर टिक करते हैं। ये कह रहे हैं मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब वर कार्ल सेंस क्लोटिस, ठीक है, क्लोटिस कहा गया है, ठीक है, हिंदी में क्लोथ कहा जाता है। ठीक है, तो सेंस क्लोथ कहा गया है, मेंबर्स जो जैकोबिन के थे, बिल्कुल ट्रू है ये। ठीक है, और ये कह रहे हैं मेंबर जो जैकोबिन क्लब है ना, वो कपड़े जो पहनते थे वो विदाउट नीज ब्रीचेस, मतलब घुटनों से हटे होते थे, घुटनों पर नहीं होता था। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों ट्रू हैं, लेकिन क्या ये जो सेंट क्लॉज कहने का जो रीज़न है वो विदाउट जो नीज ब्रीचेस है इसलिए कहते थे। देखिए सेंट क्लॉज उन्हें इसलिए कहा गया था क्योंकि वो जो लोग थे ना जैकोबिन के, वो जो कुलीन थे, कुलीन मतलब जो नोबिलिटी के थे, उनका वो विरोध कर रहे थे। ठीक है, उनके वो अपोजिट उनके बोल रहे थे, इसलिए उन्होंने बोला था कि हम जो है ना बिना घुटनों वाले कपड़े पहनेंगे। ठीक है, तो इसलिए उनको जो है ना सेंट क्लॉज बोला गया। लेकिन ये जो रीज़न लिखा ना कि सेंट क्लॉज इसलिए कहते थे क्योंकि विदाउट नीज ब्रीचेस, देखो ये तो इसका मीनिंग है। ठीक है, ये इसको अर्थ बता रहा है इसका, और सेंट क्लॉज कहने के पीछे ये कारण नहीं था। ठीक है, वो उसका विरोध कर रहे थे इसलिए उन्होंने कहा गया, जब बुक में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर बी है। ठीक है, देखिए इसको और आप अगर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो जब आप अपनी बुक ओपन करेंगे तो उसमें फिगर नंबर 9 होगी। ठीक है, फिगर नंबर 9 से ऊपर एक पैराग्राफ होगा, उससे आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, नहीं तो हिंदी में भी आप एक बार वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा 10 के 10 करवा दिया। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हैं, और डिस्क्रिप्शन में जाके सारे असेसमेंट कर लीजिए, प्रैक्टिस पेपर कर लीजिए, ताकि आपके और अच्छे से तैयारी हो जाए। अपना पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।